हाथरस गैंगरेप केस की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को 10 दिनों की और मोहलत दी गई है। दरअसल पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी को पहले 7 दिन की मोहलत दी गई थी, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही थी। इस बीच एसआईटी टीम ने जांच के लिए और 10 दिन की मोहलत मांगी थी, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। 10 दिन की और मोहलत मांगे जाने के सवाल पर गृह सचिव भगवान स्वरूप ने कहा कि हम अधिक दस्तावेजी सबूतों की तलाश कर रहे हैं। इस मामले में हमें कुछ और लोगों से पूछताछ भी करनी है, इसलिए हमने एसआईटी के समय में विस्तार के लिए कहा था। अब एसआईटी 16 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच हाथरस कांड की छानबीन करने के लिए एसआईटी की टीम बुधवार को फिर से पीड़िता के घर पर पहुंची। परिवार को एसआईटी जांच की मियाद बढ़ने के बारे में बताया गया। इसके बाद एसआईटी की टीम गांव से निकल गई। उधर हाथरस कांड में फोन कॉल रिकॉर्ड से नया मोड़ आ गया है। एसआईटी की जांच में पता चला है कि आरोपी संदीप के फोन से पीड़िता के भाई के फोन पर लगातार बातचीत हुई थी। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक दोनों फोन के बीच 104 कॉल हुई, जिसमें से 62 कॉल आरोपी संदीप के फोन पर आई, जबकि 42 कॉल पीड़िता के भाई के फोन पर आई थी। हाथरस मामले में एसआईटी के बाद अब ईडी ने भी बड़ा खुलासा किया है। हाथरस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस कांड के बहाने जातीय दंगा फैलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के पास मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए आए थे। ईडी ने दावा किया है कि पूरी फंडिंग 100 करोड़ रुपए से अधिक की थी, लिहाजा पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। हाथरस में दंगे की साजिश रचने के आरोप में मेरठ से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। चारों का पीएफआई संगठन से रिश्ता बताया जा रहा था। पुलिस ने इनके पास से भड़काऊ साहित्य बरामद किया था। इससे पहले यूपी पुलिस ने एक वेबसाइट के जरिए दंगों की साजिश का दावा भी किया है। हाथरस केस में जांच के बाद रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में देखना है कि एसआईटी और ईडी की जांच में क्या ठोस सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट।